कैप्टन बनने के दावेदार आखिर कौन कौन है, कौन सी टीम जीती है, कौन सी हारी है और क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, कैप्टनसी टास्क जहाँ पर दो टीम्स डिवाइडेड है और टीम ए और टीम बी, वेल यहाँ पर जो संचालक है वो शमिता और करण है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दो टीम्स है ये दोनों में ही टक्कर का मुकाबला रहा है। जहाँ कल जो जय भानुशाली और इन लोगों की टीम थी जिसमें अकासा, अफसाना, उमर रियाज और साथ ही में विशाल थे, यहाँ पर इन लोगों की जो टीम थी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और टिके रहे हैं एंड तक, यानी कि ब्लॉक से बाहर नहीं आए हैं। तो वही जो लाइव फीड में देखा गया जहाँ पर तेजस्वी प्रकाश की टीम थी जिसमें सिम्बा और राजीव और भी कई सदस्य, निशांत, प्रतीक भी उनके साथ में थे, ये इन लोगों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और ये लोग भी ब्लॉक से बाहर नहीं आए, यानी कि दोनों में टक्कर का मुकाबला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि काफी सुस्ता हुआ गेम जो है इन लोगों ने खेला था, यानी कि काफी ज्यादा स्लो चल रहा था, एंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं था, मसाला ज्यादा नहीं मिल रहा था। वही मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा बोरिंग टाइप भी हो गया था जहां पर कैप्टनसी की दावेदारी या तो कहना चाहिए कि दोनों में टाई हो गया, क्योंकि दोनों ही बाहर नहीं आए, दोनों ही डटे रहे, यानी कि दोनों टीम्स ही डटी रही है, तो दोनों ब्लॉक से बाहर नहीं आए, तो हो सकता है कि बिग बॉस इसे टाई कर दे गेम को या फिर एक और मौका दे अपने आप को साबित करने का, अपना लक आजमाने का, जिससे वो जो है कैप्टन बन सके घर के। वेल काफी ज्यादा जो है देखना दिलचस्प होगा कि अब बिग बॉस कौन सा टास्क इन लोगों को देते हैं और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आखिर कौन नया कैप्टन निकल के आता है। वेल आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।